हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि करोड़पति अदाकारा के घर शादी के 9 साल बाद बेटे की पैदाइश हुई। घर वालों ने आलीशान अंदाज में बेटे का वेलकम किया और बहुत इमोशनल वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर कर दी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि अदाकारा के घर 9 साल बाद बेटे की पैदाइश हुई है और जैसे ही इन्होंने अपनी फैंस के साथ खबर शेयर की तो फैंस खुशी से झूम उठे और मुबारकबाद देने लगे। ये मशहूर अदाकारा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, जिनको देख के फैंस काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपनी डेली रूटीन के बारे में भी अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। रिसेंटली इस मशहूर अदाकारा ने अपने तमाम फैंस के साथ न्यूज शेयर की है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की नेमत से नवाजा है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि जिस मरूफ अदाकारा के घर बेटे की पैदाइश हुई है उनका नाम है मदीहा नकवी, जो कि टीवी होस्ट भी हैं और अदाकारा भी रह चुकी हैं। 2013 में इनकी पहली शादी हुई थी जो ज्यादा देर तक ना चल सकी। मदीहा नकवी ने हर मुमकिन कोशिश की अपनी शादी को चलाने की, लेकिन ये शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक हो गई। और तलाक के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी रहमान फैसल सब्जवारी से। इन्होंने अपनी दूसरी शादी भी बहुत ही धूमधाम तरीके से की थी, जिसकी तमाम तक पिक्चर्स और वीडियोस भी इन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की थी। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने भी शादी में शिरकत की थी। मदीहा नकवी और रहमान फैसल की बात की जाए तो उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज अपने फैंस के साथ शेयर की है। और अब जब काफी अरसे बाद इनके घर बेटे की पैदाइश हुई है तो सब बहुत ही ज्यादा खुश है और औलाद का इंतजार वो काफी अरसे से कर रही थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ताला इन्हें 9 साल वेट करवाएंगे। लेकिन इस लंबे अरसे के बाद जब अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की नेमत से नवाजा है तो इनकी फैमिली और मदीहा नकवी रहमान फैसल तमाम तर लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, मदीहा नकवी और रहमान फैसल को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इन्हें मजीद खुशियों से नवाजे। तो दोस्तों, आप सबको ये जान के कैसा लगा है कि इनके घर 9 साल बाद बेटे की पैदाइश हुई है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।